जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पॉपुलेशन इंटरैक्शन एंड द टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन इन ब्रीफ। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द प्रेडेशन। प्रेडेशन क्या होता है और कैसे होता है। नाउ प्रेडेशन जो है दैट इज इट इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन वेयर वन एनिमल स्किल्स एंड कंज्यूम द अदर वीकर एनिमल। सो प्रेडेशन जो वर्ड आया है प्रीडेटर से आया है। ओके, प्रेडेटर, प्रे, ये सब वर्ड्स जो हैं दैट इज़ द सेम। ओके, तो प्रेडेशन जो है एक तरह का प्रोसेस है, इंटरैक्शन है, जिसमें जो है इंटरैक्शन होता है। इंटर स्पेसिफिक मीन्स डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शन होता है और एक एनिमल जो है वो किल करता है या कंज्यूम करता है अदर वीकर एनिमल को। सो इन दिस वे यू कैन सी देर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आपको याद हो, फूड चेन आपने पढ़ा था, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे फूड चेन में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि ये सब क्यों होता है। ठीक है, बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी जो है फॉर दैट पर्पस ओनली दिस फूड चेन ऑपरेट्स, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे को खाता है या दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका खाना वो किसी तीसरे का खाना बन जाता है। सो इन दिस वे द फ्लो ऑफ एनर्जी अकर एंड इट कंटिन्यूज टिल इट रीचेज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। ओके, सो आपने फूड चेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन भी पढ़ी थी इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल हुआ, आपका पॉन्ड हुआ, देन लेक हुआ, डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट। तो जो फूड चेन के मेंबर्स होते हैं दैट इज़ आल्सो डिफरेंट, कि ये डिपेंड करता है कि फूड चेन कहाँ ऑपरेट कर रही है। ओके, नाउ एज वी नो कि अगर हम बात करें, ठीक है, प्रेडेटर्स की या प्रे की, जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या आता है, टाइगर और डियर। ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है वो किसका शिकार करता है, डियर का शिकार करता है। ओके, बट दिस इज़ नॉट ओनली द प्रेडेशन। प्रेडेशन हर तरीके से होता है। अगर आप अपने आसपास देखें तो देयर प्रेडेशन इज़ अकरिंग एवरीवेयर। इवन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हर्बीवोर्स एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, हम उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। सो हर्बीवोर्स दे आर ऑल्सो द प्रीडेटर्स, बट फर्क क्या है कि वो ग्रास खा रहे हैं, पर यहाँ पे भी जो है इंटरैक्शन हो रहा है। ओके, सो इंटरैक्शन किसी ना किसी फॉर्म में या फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो होता रहता है। ओके, सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम प्लांट टू हायर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज़ द फूड चेन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो प्रीडेटर्स के अगर हम मेन रोल की बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेन रोल की बात करें, तो मेन रोल जो है उनका दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दे एक्ट एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। कंड्यूट्स माने होता है कि अ चैनल फॉर कंडक्टिंग एनीथिंग। ये एक तरह के चैनल है, प्रेडेटर्स जो हैं वो एक तरह के चैनल हैं जिनके थ्रू जो है एनर्जी का फ्लो होता रहता है ट्रॉफिक लेवल में। ओके, सो प्रेडेटर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ओके, एंड अदर देयर आर अदर रोल्स ऑल्सो ऑफ द प्रेडेटर, बट दिस इज़ द मेन रोल। अदर रोल की अगर हम बात करें, सो दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये प्रे पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जो प्रे होंगे उनकी पॉपुलेशन जो है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में पहुंच जाएगी और वो आगे चल के इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देंगे। सो इन दिस वे जो भी जो प्रेडेटर्स होते हैं, दे कीप अ चेक, वो चेक दे कीप अ चेक, दे कंट्रोल द प्रे पॉपुलेशन ऑल्सो, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ओके, एग्जाम्पल की बात करें, लाइक कोई एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, फॉरेन स्पीशीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब वो फॉरेन स्पीशीज़ है तो बट नेचुरल है, उसका कोई भी प्रेडेटर नहीं होगा। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे स्प्रेड होती चली जाएगी, और बिकॉज इट हैज़ नो प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स हैं ही नहीं जो उसको ख़त्म कर सकें। ओके, सो क्या होगा फिर, इट विल कॉज द इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है इसका प्रिकली पियर कैक्टस। ओके, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। प्रिकली पियर कैक्टस, ये एक तरह का प्लांट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में इन 1920s, एंड इट हैज़ कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज बिकॉज इट्स स्प्रेड रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड में। ये
फैल गया था कि उसके बाद जो है दिस वॉज कंट्रोल्ड बाय बाय अ प्रिडेटर जो कि आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था उस नेचुरल हैबिटेट में, दैट इज़ अ मॉथ, और उसको इंट्रोड्यूस करके ये जो है इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया था, दैट इज़ प्रिकली पियर कैक्टस की पॉपुलेशन। तो ये क्या था, ये एक बायोलॉजिकल मेथड था जो बेसिकली जो है अडॉप्ट किया जाता है पेस्ट कंट्रोल में, ठीक है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। सो दिस इज़ द दिस यू कैन सी कि अनदर रोल ऑफ प्रेडेटर जो कि प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ जो कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो एक स्टारफिश थी जिसका नाम था पिसास्टर, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर बन गई वहाँ पे। अब क्या हुआ, व्हेन इन द फील्ड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से रिमूव कर दिया गया, तो क्या हुआ कि जो और 10 स्पीशीज थी इनवर्टिब्रेट की वो एक्सटिंक्ट हो गई बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि रिमूव करने से कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया है स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, जिसकी वजह से जो और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज थी वो गायब हो गई, ठीक है। सो जो है रोल ऑफ प्रेडेटर, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट, दैट इज़ द दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेंटेन स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज, ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी को भी रिड्यूस करता है, ओके, बाय रिड्यूसिंग मेंटेन करता है जो भी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, ये मीन्स जो भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है उनका नंबर जो है वो मेंटेन रहता है बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, ओके, दैट ऑल्सो क्योंकि प्रेडेटर्स जो होते हैं वो कंपटीशन, जो भी स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि वो उसको अपना शिकार बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली जब कम स्पीशीज़ होंगी तो कम कंपटीशन होगा। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रे बाय द प्रेडेटर रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर। नाउ ये भी देखा गया है कि अगर प्रेडेटर जो है बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत पावरफुल है और वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप देखोगे कि बहुत जल्दी जो प्रे होंगे हो सकता है रिड्यूस तो होना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट होंगे और दैट विल रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ प्रेडेटर्स ऑल्सो, क्योंकि प्रेडेटर्स को कोई खाना नहीं मिलेगा खाने को, तो दोनों ही जो हैं जो इस केस में एक्सटेंट हो जाएंगे, ओके, दैट्स व्हाई प्रेडेटर्स इन नेचर दे आर प्रूडेंट, प्रूडेंट माने होता है इम्पॉर्टेंट, इसीलिए प्रेडेटर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नेचर में, ओके। नाउ और नेक्स्ट इज डिफेंस ऑफ लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। नाउ डिफेंस मीन्स होता है आत्मरक्षा, ठीक है, आत्मरक्षा करने के लिए देयर आर एनिमल्स, देयर आर प्लांट्स जो कि कुछ अडेप्टेशंस जो हैं उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जो कि वो शो करते हैं जस्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग की अगर हम बात करें, आपने एक पढ़ा था कॉमीफ्लेज पढ़ा था जिसमें वो कलर अपना बॉडी का चेंज कर लेते हैं और वो इन्वायरमेंट में अपने आप को छुपा लेते हैं जस्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर्स। सेकेंडली सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रीडेटर्स, कुछ जो है पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है, तो प्रीडेटर्स जो हैं उनको मींस वो पॉइजन सिक्रीट करते हैं तो प्रीडेटर्स उन पे हमला नहीं करते हैं, जैसे मोनार्च बटरफ्लाई जो कि आपकी एग्जांपल में दिया है, दैट इज़ वेरी डिस्टेस्टफुल, ओके, एंड टू इट्स प्रीडेटर, इसका प्रीडेटर कौन है, मोनार्च बटरफ्लाई का बर्ड्स आर द प्रीडेटर, पर क्या होता है ये जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है इसमें कुछ स्पेशल केमिकल सिक्रीट होता है, ओके, और ये जो स्पेशल केमिकल होता है दैट इज़ सिक्रीटेड ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज, ठीक है, जब कैटरपिलर वो होता है स्टेज होती है तो वो कैटरपिलर जो है वीड्स पे फीड करता है और वीड्स में जो पॉइजन होता है वो फिर उनके अंदर आ जाता है जिसकी वजह से ये पॉइजन को इनके अंदर रहता है और जब बर्ड्स जो हैं इनका शिकार करते इसीलिए बर्ड्स जो हैं इनका शिकार नहीं करती, ओके। सो दीज आर द फ्यू अडेप्टेशंस। नाउ प्लांट्स की बात करें, अगर
ओके नाउ नाउ फॉर प्लांट्स लाइक जो है हर्बीवोर्स जो हैं, हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं प्लांट के लिए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर जो है अगर प्लांट्स में भी कोई अडेप्टेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, प्लांट्स भी गायब होने लगेंगे। तो नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफैगस। फाइटोफैगस क्या होता है, दैट इज़ द वन हु फीड्स ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट में लिक्विड सिक्रीट होता है, सैप होता है, उस पर फीड करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइटोफैगस। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल्स जो हैं दे कैन सेव देमसेल्फ। ठीक है, वो प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे, वो भाग सकते हैं, पर प्लांट्स के केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो भाग नहीं सकते हैं, वो अपनी ही जगह उन्हें रहना है। तो उनके अंदर कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए जस्ट टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। तो उनके अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे थॉर्न्स की बात करें। ठीक है, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कैक्टस में, अकेसिया में। ठीक है, तो जो है जो भी एनिमल्स होते हैं वो उनको नहीं खाते हैं। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं कुछ केमिकल, दैट इज़ कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस जो है इसमें जो है पॉइजनस प्रेजेंट होता है एंड दैट प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ पॉइजन दैट इज सिक्रीटेड बाय दिस प्लांट। ओके, और ये डायरेक्ट जो है कार्डियक, दैट मीन्स हार्ट पे अटैक करता है पॉइजन। दैट्स वाई जो केटल्स या गोट्स होती हैं वो कभी भी इस प्लांट को ब्राउजिंग नहीं करती हैं, कभी भी नहीं खाती हैं। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट सिक्रीट करते हैं फॉर कमर्शियल स्केल ऑल्सो, दैट इज़ निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइटीन, ओपियम। ओके, दैट इज़ सिक्रीटेड बाय देम एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय देम। एक्चुअली ये जो हैं ये यूज़ तो होते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बट ये एक्चुअली जो हैं प्लांट्स इनको सिक्रीट करते हैं फॉर एज अ डिफेंस की तरह अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। जो भी ब्राउजर्स या ग्रेजर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं इसको। ओके, सो आई थिंक येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेडेशन एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ कॉम्पिटिशन। सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।